नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में कम हुआ कोरोना संक्रमण तो शिक्षा मंत्री ने की बैठक, जानिए कब खुलेंगे स्कूल और कोचिंग। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा स्कूल खोलने को लेकर संबंधित अधिकारियों से संग बैठक कर चर्चा की गई। कहा गया कि सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग आपदा प्रबंधन विभाग को देगा। मंत्री संग बैठक के बाद शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूल बंद होने को लेकर चिंतित जाहिर की है। उनका कहना है कि स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। राजेश शर्मा के मुताबिक शिक्षा मंत्री कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाओं को खोलने की इच्छा रखते हैं। सरकार के आदेश के खिलाफ धरने पर बैठे मोरहाबादी मैदान के दुकानदार डिप्टी मेयर का मिला समर्थन। रांची के मोरहाबादी इलाके में बीते गुरुवार को हुए गैंगवार के बाद धारा 144 लगा दिया गया है। इलाके से तमाम दुकानों को हटाने के आदेश दिया गया है। सब्जी बाजार व ठेला लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। रांची नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ दुकानदार धरने पर बैठ गए हैं। दुकानदारों को कहना है कि पहले कोरोना फिर लॉकडाउन, अब जब स्थिति सामान्य हुई तो सरकार उनके सपनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। अगर उनकी दुकानें हटा दी गई तो सैकड़ों परिवार भूखे मर जाएंगे। रोजगार दिए बिना दुकान को हटाने नहीं देंगे, जान दांव पर लगा देंगे। रिम्स के डॉक्टरों ने पेट में छोड़ दिया था तौलिया, महीने भर दर्द से कराहती रही महिला और फिर जाने क्या हुआ। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण करीब एक माह तक महिला दर्द से कराहती रही। जब जांच हुआ तो पता चला कि डॉक्टर ने पेट में ही तौलिया छोड़ दिया था। अस्पताल की ये फजीहत रिम्स के स्त्री रोग विभाग और सर्जरी विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। दरअसल रिम्स के स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर मीना मेहता की यूनिट के डॉक्टरों की लापरवाही से 28 वर्षीय महिला सीमा करीब एक महीने से पेट दर्द से कराहती रही, लेकिन पीड़िता की शिकायत के बाद भी डॉक्टर इस मामले में गंभीर नहीं हुए, जिस कारण महिला निजी अस्पताल के पास गई, जहां सीटी स्कैन के बाद पता चला कि महिला के पेट में एक बड़ा तौलिया है, जिसके बाद महिला का ऑपरेशन किया गया। एक खुशखबरी, झारखंड में जल्द होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, संशोधित नियमावली तैयार, जाने क्या होंगे नए नियम। अगर आप झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। दरअसल झारखंड में जल्द ही शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली संशोधन कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस नियमावली संशोधन पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और फिर नियमावली संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी। वकील पर हमले का विरोध, झारखंड के वकील 1 फरवरी को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर हजारीबाग में हुए जानलेवा हमले से राज्य के वकीलों में रोष है। इस घटना के बाद झारखंड राज्य बार काउंसिल ने रविवार को आपात बैठक की है। बैठक में 1 फरवरी को न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। इस दिन किसी भी अदालत में अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा वकील काला बिल्ला लगाएंगे और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करेंगे। बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडे ने बैठक की जानकारी सभी जिलों के बार संघों को भेज दी है और इसका पालन करने का निर्देश दिया है। झारखंड के हजारीबाग से ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 कारोबारी अरेस्ट। झारखंड के हजारीबाग शहरी क्षेत्र से ब्राउन शुगर व प्रतिबंधित कफ सिरप कलेक्शन के साथ सोमवार को कोर्रा पुलिस ने नशा के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कारोबारियों में कन्हरी हिल प्रयास गली दीपूगढ़ा के ओम प्रकाश सिंह उर्फ सन्नी सिंह और मरियम टोली के जैनात हर्ष शामिल है। बताया जाता है कि दोनों कारोबारी अमीर युवकों को अपना शिकार बनाते थे। दोनों कारोबारियों के पास से 8.2
2-3 ग्राम ब्राउन शुगर और 100 cc प्रतिबंधित सिरप जब्त की गई है। इस कारोबार में इस्तेमाल की गई एक टाटा इंडिगो कार व 2 मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। अधिकांश एटीएम में गार्ड नहीं होने पर फायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स, राशि निकालने के वक्त रहे सतर्क। अगर आपको बात बात पर एटीएम कार्ड से रुपये निकालने की आदत है तो अब उसमें सुधार कर लें, क्योंकि एटीएम से रुपये की निकासी करते वक्त आपके ऊपर कौन नज़र रख रहा है उसके बारे में आपको भनक तो नहीं लगेगी और पलक झपकते ही आपके खाते से रुपये की निकासी हो जाएगी। इसलिए जिस एटीएम में गार्ड की तैनाती है उसी से रुपये निकालें, वो भी सब कुछ जांच परख के बाद। झारखंड हाईकोर्ट से रांची नगर निगम को झटका, लगाया 20,000 जुर्माना, होटल सेंटर पॉइंट को लेकर दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कल सोमवार को RDIA ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाले रांची नगर निगम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना। इसके बाद रांची नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने RDA ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखते हुए होटल सेंटर पॉइंट का सील खोलने का भी आदेश दिया। आज से बढ़ जाएगी रसोई गैस की कीमत, सब्सिडी को लेकर जान ले काम की बात। क्या रसोई गैस की कीमत इस बार बढ़ोतरी होगी? दरअसल कल महीने का आखिरी दिन था, इसके बाद साल भर का दूसरा महीना यानी आज से यहां चर्चा कर दे कि हर महीने की 1 तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है। इसके बाद रसोई गैस की कीमत को लेकर पेट्रोलियम कंपनी फैसला लेती है। 1 जनवरी की बात करें तो इस दिन वाणिज्य इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में 102.5 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी। अक्टूबर 2021 के बाद LPG के दाम पहली बार घटे थे। इस बीच आइए आपको बता दें कि LPG सब्सिडी को लेकर एक खास बात है। जी हां, खाते में अब नाम मात्र की सब्सिडी ग्राहकों खाते में आ रही है। यदि ये राशि भी आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आगे की खबर जान लें। आम आदमी, निवेशकों और छोटे मझोले उद्योगों के अलावा स्टार्टअप के लिए होगा पीएम मोदी का बजट। यूनियन बजट 2022 को लेकर संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। युवाओं और डिजिटल इंडिया पर केंद्रित करते हुए राष्ट्रपति ने स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी पर UPI प्लेटफॉर्म की सफलता पर केंद्र सरकार के विजन की प्रशंसा करते हुए भारत को विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बताया। सुदेश महतो का हेमंत सरकार पर आरोप, राज्य की भाषाई पहचान मिटाने में लगी है सरकार। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हेमंत सरकार पर राज्य की भाषाई पहचान मिटाने का आरोप लगाया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि आबुआ देश, आबुआ राज के ध्येय के साथ झारखंड का सपना यहां के लोगों ने देखा था, इस पर हमला लगातार हो रहा है। सुदेश ने कहा कि सरकार की नीतियां यहां की पहचान और अस्मिता पर चोट कर रही है। सरकार की नियुक्ति नियमावली हो या जिलावार भाषा का चयन, यहां के भूमि पुत्र के हक अधिकार को छीनने वाली है। 1932 खतियान लागू कर यहां के लोगों को हक यह सरकार नहीं दिला पा रही है, इससे झारखंड के आम आवाम में आक्रोश है। मध्य प्रदेश में स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे, परीक्षाओं की तारीख बढ़ाई जाएगी आगे। आखिरकार सरकार ने फैसला लेते हुए 1 फरवरी से स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया था। इसके बाद 31 जनवरी के बाद से स्कूल खोलने पर संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि 1 फरवरी से स्कूल खोलने जाएंगे। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने सोमवार की सुबह कहा था कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है। सोमवार को CM शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। एक खुशखबरी, 2 फरवरी को CM शिवराज देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा। 2 फरवरी 2022 को CM शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देंगे। 2 फरवरी को प्रातः 11 बजे पोषण अभियान के तहत CM शिवराज सिंह सीहोर जिले की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। जिले के प्रभारी वन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। जानिए किन कर्मचारियों का बड़ा तोहफा, 14% महंगाई भत्ता बढ़ा, एरियर का भी होगा भुगतान। 2022 में कर्मचारियों का सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। आए दिन केंद्र से लेकर राज्य के कर्मचारियों को सौगात मिल रही है।
इसी कड़ी में अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 31% तक कर दिया गया है। इसका लाभ 2000 पेंशनधारियों को, करीब 500 शिक्षकों और करीब 600 से ज़्यादा शिक्षकेतर कर्मियों को मिलेगा। कर्मचारियों के लिए 18 महीने की बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट, जल्द खाते में आएंगे 2.18 लाख। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। एक तरफ कल 31 जनवरी 2022 को AICPI इंडेक्स के दिसंबर के आंकड़े जारी किए गए, इसे पता चला कि जनवरी 2022 में कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा 3%। वही दूसरी तरफ बकाया 18 महीने के डीए एरियर का ताज़ा अपडेट आया है। केंद्रीय बजट के बाद फरवरी में मोदी सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है और जल्द कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त राशि का भुगतान होगा। सीएम योगी का सपा पर कड़ा प्रहार, बोले नौकरी निकलने पर लूट को निकलते थे चाचा भतीजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा शासन में भर्तियां निकालने पर चाचा भतीजा और परिवार वसूली करने निकल पड़ता था, लूट खसोट होती थी, तबादलों के नाम पर पैसे वसूलते थे, माफियाओं को छूट मिलती थी। आगरा के जाट लेन और छत्रियों की बाईसी में प्रभावी मतदाता सम्मेलनों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी और 1.61 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने आईपीएल 2022 से पहले अपने लोगों को किया अनावरण। आईपीएल 2022 से शुरुआत करने वाली फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने सोमवार को अपने लोगों का अनावरण किया। फ्रेंचाइजी ने ट्वीट किया, महानता की ओर बढ़ते हुए लखनऊ सुपर जॉइंट अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है, ग्रेटनेट की तैयारी करें। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने अक्टूबर 2021 में 790 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाकर लखनऊ टीम की नीलामी जीती थी। शशि थरूर ने कहा कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है ओ मित्रों, इसे नफरत को बढ़ावा मिला। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय वाक्यांश ओ मित्रों को लेकर ट्वीट किया, ओमिक्रॉन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है ओ मित्रों और इस वायरस का कोई हल्का वेरिएंट भी नहीं है। बकौल थरूर इसके परिणाम हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।